नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 10 PM 10 मिनट शो में। मैं ऋतुराज अवस्थी और आज हम डिस्कशन करेंगे 2 सितंबर को चर्चा में रही कुछ खबरें, साथ ही साथ हम सॉल्व करेंगे MCQ क्विज। तो चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं दिन की जो टॉप 5 खबरें हैं उनके बारे में। तो सबसे पहली जो पर्टिकुलर न्यूज थी यहाँ पर, दैट इज RIL बिकम फर्स्ट कंपनी टू सरपास 10 लाख करोड़ इन एनुअल रेवेन्यू। RIL जो है तो ये वार्षिक राजस्व में 10 लाख करोड़ को पार करने वाली पहली कंपनी बन गई है। ठीक है, दूसरी जो पर्टिकुलर न्यूज है, उत्तर प्रदेश टू इन्वेस्ट 4 बिलियन इन ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब। उत्तर प्रदेश वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र में $4 अरब का निवेश करेगा। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह टेक ओवर एज द डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने वायुसेना प्रमुख का कार्यभार संभाला है। 15-year-old मयंक चक्रवर्ती विन सेकंड GM नॉम इन ग्रीस। 15 वर्षीय मयंक चक्रवर्ती ने ग्रीस में दूसरा ग्रैंड मास्टर नॉम जीता है। नवरत्न स्टेटस अवार्डेड टू रेलटेल, SGVN, NHPC एंड SECI। रेलटेल, SJVN, NHPC और SECI को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। ये थी दिन की 5 बड़ी खबरें। अब बढ़ते हैं क्विज के साथ, जो कि सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पूछा गया है आपसे, विच स्टेट टूरिज्म रिसेंटली वन द पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 फॉर द इनोवेटिव हॉलीडे हीस्ट कैंपेन। किस राज्य के पर्यटन ने हाल ही में अभिनव हॉलीडे हीस्ट अभियान के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 जीता है? केरला, गुजरात, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरला। केरला के द्वारा ये जो पर्टिकुलर अवार्ड है ये जीता गया है। आपको जानकारी होनी चाहिए, केरला टूरिज्म वन द पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 फॉर इट्स हॉलीडे हीस्ट ऑनलाइन कॉन्टेस्ट इन डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन कैटेगरी। केरल पर्यटन ने डिजिटल मार्केटिंग अभियान श्रेणी में हॉलीडे हीस्ट ऑनलाइन प्रतियोगिता के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड जीता है। द कैंपेन लॉन्च इन जुलाई 2023 Used a bidding game on WhatsApp chatbot Maya to attract tourists. जुलाई 2023 में शुरू किए गए इस अभियान में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए WhatsApp chatbot Maya पर बोली लगाने के खेल का इस्तेमाल किया गया था। Over 80,000 bids were made by traveler across India to visit Kerala, prime destination at low prices. केरल के प्रमुख स्थलों पर कम कीमतों पर जाने के लिए पूरे भारत में यात्रियों द्वारा 80,000 से अधिक बोलियां लगाई गई थी। The campaign generated more than 45 मिलियन इंप्रेशन ओवर 13 मिलियन वीडियो व्यूज। अभियान ने 45 मिलियन से अधिक इंप्रेशन और 13 मिलियन से अधिक वीडियो व्यूज उत्पन्न किए थे। समटाइम पार्टिसिपेंट वन टूर पैकेज वर्थ ₹30,000 फॉर जस्ट ₹5। कुछ प्रतिभागियों ने तो केवल ₹5 में ₹30,000 के मूल्य के जो पैकेज है वो जीते थे, टूर पैकेज। और इसी के लिए केरला टूरिज्म को रिसीव हुआ है अवार्ड इन बैंकॉक ऑन 28 अगस्त 2024। केरल पर्यटन 28 अगस्त 2024 को बैंकॉक में जो पाटा अवार्ड है, पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 जीता है। क्विज का दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, रिसेंटली विच आर्म्ड फोर्सेस हैज लॉन्च प्रोजेक्ट नमन टू सपोर्ट वेटरन एंड देयर फैमिलीज। हाल ही में किस सशस्त्र बल ने दिग्गजों और उनके परिवारों का समर्थन करने के लिए प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है? ऑप्शन है आपके सामने, इंडियन एयरफोर्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी। इसका सही उत्तर दोस्तों कहला जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट नमन सपोर्ट करने के लिए जो डिफेंस के पेंशनर्स हैं, वेटरन्स हैं और उनकी जो फैमिलीज हैं। यानी भारतीय सेना ने रक्षा पेंशन भोगियों, दिग्गजों और उनके परिवारों का समर्थन करने के लिए प्रोजेक्ट नमन को लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट इज बेस्ड ऑन द स्पर्स डिजिटल पेंशन सिस्टम, सिंप्लीफाइंग पेंशन प्रोसेस फॉर डिफेंस पर्सनल। यह परियोजना स्पर्श डिजिटल पेंशन प्रणाली पर आधारित है जो रक्षा कर्मियों के लिए पेंशन प्रक्रियाओं को सरल बनाती है। रिसेप्शन एंड फैसिलिटेशन सेंटर वर सेटअप थ्रू एन MOU बिटवीन इंडियन आर्मी एंड CSC ई गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड एंड HDFC बैंक। भारतीय सेना, CSC का मतलब होता है कस्टमर सर्विस सेंटर, और ई गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड और HDFC के बीच में एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से स्वागत और सुविधा केंद्र स्थापित किए गए थे। दिस सेंटर ऑफर स्पर्स इनेबल्ड पेंशन सर्विसेज टू अदर सिटीजन सर्विसेज एट वन लोकेशन। ये केंद्र एक ही स्थान पर स्पर्स सक्षम पेंशन सेवाएं और अन्य नागरिक सेवाएं प्रदान करते हैं। इन द फर्स्ट फेज 14 सेंटर वर एस्टैब्लिश्ड इन की सिटीज लाइक न्यू दिल्ली, जलंधर, बैंगलोर।
पहले चरण में नई दिल्ली, जालंधर और बैंगलोर जैसे प्रमुख शहरों में 14 केंद्र स्थापित किए गए थे। विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स ऑफन वेटरन्स मैनेज दीज सेंटर विद HDFC बैंक फाइनेंशियल सपोर्ट। विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स दिग्गज HDFC बैंक के वित्तीय समर्थन से इन केंद्रों का प्रबंधन करते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, पूछा गया है आपसे रिसेंटली वेयर वॉज द ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 हेल्ड। हाल ही में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई और न्यू दिल्ली। तो इसका सही उत्तर कहला जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एड्रेस किया गया ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 को जो जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में आयोजित हुआ था। ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था ज्वाइंटली जो पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया है और द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के द्वारा, और साथ ही साथ संयुक्त रूप से फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल भी थी। दोस्तों GFF को कंसीडर किया जाता है वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ फिनटेक स्टार्टअप इन्वेस्टर एक्सपर्ट बैंकर एंड रेगुलेटर फ्रॉम अराउंड द ग्लोब, यानी पूरे विश्व से जो फिनटेक के स्टार्टअप है, निवेशक है, विशेषज्ञ है, बैंकर है और इनके जो रेगुलेटर्स है वो सब इस पर्टिकुलर फेस्ट में शामिल होते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये रहा, मोना अग्रवाल रिसेंटली वन ब्रॉन्ज मेडल इन विच इवेंट एट द 2024 पेरिस पैरालंपिक। मोना अग्रवाल ने हाल ही में 2024 पेरिस पैरालंपिक में किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? रेसलिंग, बॉक्सिंग, टेबल टेनिस और शूटिंग। सो दोस्तों आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर कहला जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शूटिंग। मोना अग्रवाल बिकेम अ वेल नोन फिगर इन पैरा शूटिंग विनिंग अ ब्रॉन्ज मेडल इन R2 विमेन 10 मीटर एयर राइफल SH1 इवेंट एट द 2024 पैरा ओलंपिक्स। मोना अग्रवाल पैरा शूटिंग में एक प्रसिद्ध हस्ती बन गई है। उन्होंने 2024 पैरा ओलंपिक्स में R2 महिला 10 मीटर एयर राइफल SH1 इवेंट में कांस्य पदक जीता है। दोस्तों 8 नवंबर 1997 को राजस्थान के सीकर में मोना अग्रवाल का जन्म हुआ था। इन्होंने शुरुआती चुनौतियों का सामना करना पड़ा और 9 महीने की उम्र में पोलियो हो गया था जिससे इनके नीचे का जो पर्टिकुलर भाग है ये प्रभावित हुआ था। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखी और आर्ट्स में इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया, साथ ही साथ साइकोलॉजी में इन्होंने मास्टर्स की डिग्री हासिल की। 23 वर्ष की उम्र में मोना ने स्वतंत्र रूप से रहना चुना और HR और मार्केटिंग भूमिकाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और 2016 में उन्होंने पैरा एथलेटिक की ओर अपना रुख किया। राज्य की पहली थ्रो स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीता और पैरा पावर लिफ्टिंग में पदक अर्जित किया। दोस्तों ये बहुत गर्व की बात थी, मोना अग्रवाल ने अपनी दिव्यांगता को अपनी कमजोरी न बना करके अपनी स्ट्रेंथ बनाया। क्विज के अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, विच इंडियन नेवल शिप रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन अ मैरीटाइम पार्टनर एक्सरसाइज विद स्पेनिश शिप अटल्य। हाल ही में किस भारतीय नौसेना जहाज ने स्पेनिश जहाज अटल्य के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास MPE में भाग लिया है? INS अरिहंत, INS मुंबई, INS तबर और INS कवेरी। INS का मतलब होता है दोस्तों इंडियन नेवल शिप और इसका सही उत्तर कहला जाएगा ऑप्शन नंबर सी, INS तबर। INS तबर कंडक्टेड अ मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज विद द स्पेनिश नेवी अटल्य इन द मेडिटेरेनियन सी। INS तबर ने भूमध्य सागर में स्पेनिश नौसेना के जहाज अटल्य के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित किया। एक्सरसाइज सिग्निफाइज इंडियाज नेवल आउटरीच एंड मार्क अ माइलस्टोन इन मैरीटाइम कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड स्पेन। ये अभ्यास भारत की नौसेना की पहुंच को दर्शाता है और भारत और स्पेन के बीच समुद्री सहयोग में एक मील का पत्थर है। MPX में स्टेशन कीपिंग रिप्लेसमेंट एट सी अप्रोच फ्लाइंग एक्सरसाइज स्टीम पास्ट और फोटो एक्स जैसे उन्नत अभ्यास शामिल थे और दोनों नौसेनाओं ने उच्च व्यवसायिकता और प्रतिबद्धता दिखाई, मजबूत द्विपक्षीय नौसेना संबंधों को मजबूत किया और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाया। दोस्तों यहां पर अगर हम मेडिटेरेनियन सी की बात करें तो आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मेडिटेरेनियन सी देखने को मिलता है, राइट। यहां पर अगर आप देखेंगे से जो एशिया वाला रीजन है दैट इज सऊदी अरेबिया, इसके बाद यहां से ये जो कायरो है यहां पर आपको स्वेज कैनल देखने को मिलती है और स्वेज कैनल के बाद ये जो पर्टिकुलर रीजन है दिस इज कॉल्ड एज द मेडिटेरेनियन सी। ये भूमध्य सागर है जहां पर इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था। तो ये थे दोस्तों आज के हमारी जो क्विज के पर्टिकुलर सवाल और आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। डेली 10 PM पर इसी तरह का सेशन अगर आप चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, प्यारा सा कमेंट करिएगा और अगर आप मेरे साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ना चाहते हैं तो ये वो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझसे जुड़ सकते हैं और इस सेशन का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। मिलते हैं अगले सेशन में। शुभरात्रि, जय हिंद।